हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। आ गई हूँ अब राम मंदिर। अब यहाँ से देखिए रामचरितमानस मंदिर है दोस्तों। देखिए अब ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ ना दोस्तों। आप भी देखिए, राम जी का दर्शन कीजिए, सीता मैया का दर्शन कीजिए। आ जाओ आ जाओ। हम चले इधर। देखिए दोस्तों, राम जी का मंदिर है, सीता मैया का मंदिर है। आप लोग भी दर्शन कीजिए, इसमें भोले बाबा भी हैं। चप्पल खोल। देखिए आइए इधर, इधर दिखाइए, इधर भोले बाबा हैं। देखिए दिखलाइए, इधर भोले बाबा हैं। भोले बाबा का भी दर्शन कीजिए आप लोग। मेरा आवाज पहुंच रहा है, सुन रहे हैं ना दोस्तों। चलिए अब राम जी के मंदिर में देखिए, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। गणेश जी हैं, मैया पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, भोले बाबा का सब परिवार इसमें है। मानस मंदिर है। ये देखिए फूल बगीचा है, फूल पत्ती है, इधर ही फूल पत्ती है। कितना कितना पावन लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए सूरजमुखी का फूल है, ये देखिए सूरजमुखी का फूल है। यहाँ देखिए सूरजमुखी का फूल है सब। आइए देखो, ये श्री रामचंद्र जी हैं, सीता मैया हैं, गणेश जी हैं और बजरंगबली भी हैं। यहाँ लक्ष्मण जी हैं, सभी परिवार हैं राम जी के। देखिए दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए उनका प्रांगण, देखिए कितना मस्त है। राम जी का मंदिर का सब प्रांगण देखिए, कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। मानस मंदिर का सारा प्रांगण है, सभी पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती है सब। देखिए देखिए दोस्तों, देख लीजिए सब। देखिए आम का भी पेड़ है सब। आम भी लटका है। आम का पेड़ है, देखिए आम लगा हुआ है। ओढ़ावली कनेल सब पेड़ पौधा है। एक भी नहीं टूटेगा ना।
ये देखिए आम लटका हुआ है एकदम। उनका नाम है बजाने जाएंगे देखिए तुलसी जी का पेड़ है, फूल पौधे हैं। देखिए दोस्तों ये बजरंगबली है, ये बजरंगबली क्षमा कीजिएगा। मंदिर का टेंपल देखिए कितना ऊंचा, कितना सुंदर, कितना मस्त है, भव्य है, भव्य। अब आइए आप वैष्णो माता के मंदिर में। ये माँ वैष्णो देवी का है मूर्ति। देख लीजिए माँ वैष्णो देवी हैं, उनकी मूर्ति है। देखिए दोस्तों कितना मस्त लगा, कितना माँ का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है, हम सभी के लिए, आप सबों के लिए। दोस्तों प्रणाम कीजिए आप लोग भी। देखिए भोलेनाथ का ऊपर में मंदिर है, उनका त्रिशूल बना हुआ है, उनके छत पे टंकी भी बैठा हुआ है पानी का। दोस्तों देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त नजारा भी है, लाइट भी जल रहा है सब जगह। ठंडा ठंडा मौसम है, शाम का समय है, देखिए हवा भी चल रहा है। आइए आप इधर आ जाइए, इधर भी आपको दिखा देते हैं, इधर आइए। ये हवन कुंड है, पूजा वूजा होता है जिसमें हवन होता है, ये हवन कुंड है। देखिए ये हवन कुंड है, देखा लोग जब पेड़ पौधा बा। अब हम आप तुम में बतियाओ तेने दोस्तों समझनी, देखी ऐसा पेड़ पौधा बाटे, होने नल लागल बा, हेने से गेट भी बाहर निकले के बा। तो देखी पाइप से पानी पटाता, देखी होगा नल बा, देखने दोस्तों देखी। देखिए कितना अच्छा 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 नजारा है, पेड़ पौधा है, लाइट भी जल रहा है।
कितने मिनट हुए? 10 मिनट। चलिए उधर भी दिखा दीजिए थोड़ा, चलिए लगा के आपके होगा। दोस्तों अब यहाँ आरती का तैयारी होने वाला है। आज तो हम आरती नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, फिर कभी दिखा देंगे। अब हम घर की ओर चल रहे हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मानस मंदिर का बाहर का है और हम लोग बाहर आ गए हैं, मंदिर से बाहर आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए माँ वैष्णो देवी का मंदिर का है बाहर का, और ये भोले बाबा का है, और सामने में श्री राम जी का है मानस मंदिर। मानस मंदिर के बाहर आ गए हैं, बाहर में कंपाउंड है। ये देखिए होने वाला है, जिसके लिए पंडाल बन रहा है। ये तो पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ प्रोग्राम है, इसी के लिए पंडाल बन रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मेरा आप पर्वत तुम में, फिर हम आगे मिलेंगे आपसे। ठीक ना दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, फिर हम अगले ब्लॉग में आपसे मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ गीता। आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ गीता, नमस्ते।